राधे राधे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे हो रही है पूजा ठाकुर जी की, स्नान वगैरह मैंने करा दिए हैं, बस टीका लगा रही हूँ। और सुबह की पूजा ज़्यादातर वैसे मम्मी करती हैं, और पर ऐसा भी नहीं है कि जब मैं पहले नहा लेती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, मम्मी पहले नहा लेती है तो मम्मी कर लेती हैं। तो यहाँ पर आज मेरा फास्ट भी था, तो मैंने कहा मैं ही नहा के पहले पूजा कर लेती हूँ ठाकुर जी की, स्नान वगैरह, फिर अपनी जो फास्ट वाली पूजा होती है वो भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे युगल किशोर के और लड्डू गोपाल जी के। तो चलिए यहाँ पे एक सुंदर सा आपको भजन सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सोचते होंगे मैं इधर से यहीं क्यों आती हूँ, क्योंकि मुझे ना आपसे, आप लोगों से बातें करना बैठ के अच्छा लगता है, आराम से बैठ के सुकून से आप लोगों से बातें करूँ तब अच्छा लगता है। तो पूजा करके आई हूँ अभी सीधा, और पसीने में नहा रही हूँ, बिल्कुल बहुत गर्म। तो बस पूजा करके और सीधा मैंने कहा आप वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। बस सर धो के मैंने बालों को भी ऐसे ही बांध लिया था, मैंने अभी कुछ नहीं मांग में सिंदूर भी नहीं डाला, और बाल ऐसे गीले हो रखे हैं अभी। और आज मैंने बिंदी जो लगाई है वो है किसकी है पता है, ये मैंने बिंदी लगाई है जो गीला सिंदूर होता है ना उससे लगाई है, क्योंकि वो वाली बिंदी मेरी टिकती ही नहीं है माथे पर। इतना मुझे पसीना आता है कि कम से कम मैं दिन में 15-20 बिंदी यूज़ करती हूँ, मतलब हर 10 मिनट 15 मिनट पर छूट जाती है। और ये मुझे हमेशा टोकते हैं, बोले तू बिंदी क्यों छुड़ा देती है, तू बिंदी क्यों छुड़ा देती है। मैंने कहा भाई मैं नहीं छुड़ाती हूँ, वो अपने आप छूट जाती। तो वो कह रहे थे कि ऐसा कर ड्रिल मशीन से छेद करा ले, ड्रिल मशीन से और होल करा के उसमें बिंदी फंसा ले। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर दो, अगर ऐसे इसी से टिकी रहे तो आप ऐसा ही कर दो। तो आज फिर मैंने बिंदी इस तरीके से लगाई है, मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देखती हूँ अगर टिकी रहे तो। तो अभी तक तो है, जबकि खूब पसीना मुझे पूजा में भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है, लेकिन अभी टिकी है बिंदी मेरी। तो मैंने बिंदी पता है कैसे लगाई थी, जो सिंदूर होता है गीला वाला उसको लगा के, क्योंकि ऊपर से पाउडर लगा लिया था तो उससे वो छूटी नहीं है, अभी तक तो नहीं छूटी है। आगे देखते हैं शाम तक क्या होता है, कैसे रहती है बिंदी, कितनी रहती है। अगर रहेगी तो फिर मैं यही यूज़ करूँगी, मैं फिर वो नहीं लगाने वाली, इतनी तो बिंदी वेस्ट हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता, बार बार छूट जाती है और ये मुझे टोकते रहते हैं। तो बस पूजा पाठ हो गई, आज व्रत है मेरा प्रदोष का, और खाने में देखते हैं, अब देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है। खाने में देखते हैं क्या बनेगा, अभी कोई डिसाइड नहीं है, शायद अरवी बने या फिर कुछ नहीं पता, क्योंकि बच्चे अरवी खाते नहीं हैं, और मम्मी पापा और ये बस यही लोग हैं तीनों। बच्चों को तो कुछ और देखूंगी, आलू वगैरह का, बालों को बांध लिया। मुझे बाल खुले भी नहीं रखे जाते, एक तो ये आफत ये है कि खुले बाल भी रखे नहीं जाते हैं। और आप सभी से बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, मतलब मैं सच बताऊँ ना, जो सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं वो दिल से देखते हैं, मैं इतना समझ गई, जो भी देखते हैं दिल से देखते हैं, हर वीडियो पे उनका कमेंट होता है, कमेंट भी इतने प्यारे प्यारे होते हैं, इतने प्यारे प्यारे कि जवाब नहीं उनका, मेरी मतलब अंतरात्मा खुश हो जाती है, इतना प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं आप लोगों के। अगर आप कहेंगे किसी दिन तो मैं कमेंट को रीड करूँगी, वैसे तो आप पढ़ ही लेते होंगे कमेंट तो। और आज राघव को कल रात से आ रहा है फीवर, बुखार हो गया है उसको, तो क्या हुआ बेटा, फीवर हो रहा है उसको, वैसे मैंने दवाई दे दी है। गाइस देखिए, देखिए इसकी वो निकल गया है इसकी कार, और देखिए अभी, और देखिए मम्मी हाथ उठाना, अभी इसका फीवर उतर गया है, दवाई दे दी थी मैंने, ऐसे यहाँ नहीं चलेगी। तो चलिए आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए हम लेंगे दूध, ये दूध जो है फुल फैट है,
फुल क्रीम है, यानी जो ऊपर से मलाई मलाई घर का जो दूध होता है ऊपर से मलाई मलाई मैंने गिलास भर के दूध लिया है, उसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे और बॉयल आने देंगे। बॉयल आने पर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ बनाने वाले हैं अभी रबड़ी, आगे रेसिपी और है, उसके लिए हमें रबड़ी चाहिए होती है। तो इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे हम फटाफट वाली। तो यहाँ पे हमने इसमें एक ब्रेड का चूरा डाल दिया है। ब्रेड का जो साइड वाला साइड होता है ना, जो उसके किनारे होते हैं उनको निकाल के और फिर बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको मैंने ऐसे क्रम्स करके हाथ से ही डाल दिया है। इससे हमारी जो रबड़ी है बहुत ही अच्छी एकदम लच्छेदार बनेगी, इंस्टेंट रबड़ी। तो उसको अब मतलब अच्छे से उबलने देते हैं 5-6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसको छोड़ दूंगी और तब तक तैयारी कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने लिया है ये खजूर, तो खजूर को मैं इसका जो पल्प होता है ना गूदा उसको निकालना है मुझे। तो इस तरीके से मैंने चाकू से इसको निकाला है, इसके जो गुठली हैं उनको मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं आज भरवा शाही टुकड़ा, जो बहुत टेस्टी लगता है और बहुत आसान है इसको बनाना। तो यहाँ पे हमारी जब तक रबड़ी तैयार हो गई और मैंने उसका गूदा निकाल दिया है, आप देख सकते हैं रबड़ी इतनी गाढ़ी हो गई है और मैंने कुल मुश्किल से 5 मिनट इसको 5 मिनट में बन गई थी। तो अब हमने इसमें डाल दिया है इलायची का पाउडर और केसर कुछ, जिससे जो है कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये हमारी रबड़ी बनके तैयारी है, अभी ठंडी हो गई और गाढ़ी होगी इसलिए इसको अब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर रबड़ी तो तैयार हो गई है और ये मैं रेसिपी दो रीज़न से शेयर कर रही हूँ। एक तो ईद आने वाली है, तो मेरे बहुत से भाई बहन जो है मुस्लिम हैं वो जो वीडियो देखते हैं मेरे, तो उनके लिए ये रेसिपी है। और दूसरा हमारे जीजाजी का प्रमोशन हुआ है तो उसके लिए भी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोला लिया है, कस लिया है उसको, और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं जैसे काजू बादाम और पिस्ता, तो इनको मैंने कूट लिया है दरदरा। और यहाँ पर गोला जो है वो लिया है कस के, और उसको हम जो हमने वो किया था ना अखरोट लिया था, सॉरी अखरोट नहीं खजूर लिया था, तो उसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, जो भी ड्राई फ्रूट ज़्यादा रखना चाहें जो भी कम रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं, और कुछ ऐड भी कर सकते हैं या जो है वो घर में वही ले सकते हैं। और यहाँ इसमें आप मावा भी मिला सकते हैं बिना मतलब चीनी के, थोड़ा सा मावा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास जो भी था वही मैंने लिया है। तो यहाँ पे ये स्टफिंग तैयार हो गई है, ये देखिए स्टफिंग तैयार हो गई। अब हमने लिए हैं यहाँ पे ब्रेड, तो दो तरह के हैं, ये आटा वाला है और ये मैदे वाला है। तो मैदे वाला थोड़ा छोटा साइज़ था इसलिए मैं उससे भी बना के दिखाऊंगी, दोनों से ही आपको बना के दिखाऊंगी। भरवा शाही टुकड़ा बहुत अच्छा बनता है। तो ये छोटे इसकी मैंने कॉर्नर काट लिए हैं, बहुत छोटी सी कटोरी ले ली है जिससे कि इसको इक्वल शेप में गोल गोल हमें निकाल दिए जाए। ये देखिए इस तरीके से गोल करने हैं इसको। तो यहाँ मैंने दो टुकड़े इसके ले लिए हैं और मैं काट रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ मुझे छोटे बनाने हैं कुछ बड़े बनाने हैं। तो ये देखिए ये तो हो गए, और उसके बाद हम ये जो बड़े ब्रेड हैं उसको हम बड़ी कटोरी से काटेंगे। तो हमने यहाँ पे कटोरी ली है जो इसके किनारे शार्प हों, तो यहाँ इस तरह से ले सकते हैं या फिर आप एक बड़ी कटोरी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी ले ली है, तो एक बड़ा सा बन जाएगा, जैसे आप इसको चंद्रकला भी कह सकते हैं, चंद्रकला की शेप आ जाएगी, बिल्कुल टेस्ट भी वही आएगा जो चंद्रकला का आता है। बना के देखना एक बार, बहुत ईजी और बहुत क्विक रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने इसको ये कट कर लिए हैं, अब हमें क्या करना है इसमें स्टफिंग को भरना है। तो जो बड़ा वाला है मैं उसमें भरूंगी स्टफिंग को, और उसके बाद यहाँ पे हमें चम्मच की सहायता से दूध डालना है ब्रेड के ऊपर, जिससे कि ब्रेड जो है सॉफ्ट हो जाए। और एक बात और, इसके लिए ब्रेड जो आप लेना है वो ताज़ा ही लें, बासी ब्रेड ना लें क्योंकि वो चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, और इसको अब इसकी सहायता से हम ब्रेड को कॉर्नर से चिपका देंगे दोनों ब्रेड्स को। ये देखिए आप बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, अगर ब्रेड आपका ताजी है तो वो ऐसे ही चिपक जाता है बिल्कुल हल्का सा दूध लगाने से। अब ये छोटा वाला लिया है मैंने, इसमें थोड़ी सी स्टफिंग भरी है, उसके बाद ऊपर से इसको ढक देंगे और थोड़ा सा दूध इस पर भी डालेंगे, और इस तरीके से इसके कॉर्नर भी दबा के इस तरीके से इसको भी हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये बन चुके हैं दो, तो यहाँ मैंने देखिए दो बड़े बनाए दो छोटे बनाए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में किया है ऑयल, ऑयल को अच्छा गरम करेंगे, खूब अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं गैस के फ्लेम को कम नहीं रखना है, मीडियम रखना है। और अगर आप धीमी आंच पे करेंगे ना और गैस का जो हमारा तेल है कम गरम होगा तो ये ढंग से नहीं बन पाएंगे, ये खिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गैस की फ्लेम को आपको तेज़ रखना है, और ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है, बहुत ईजी है इनको बनाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है कोई भी।
बस आपको अच्छे से इनको दबा देना है जिससे कि निकले नहीं बाहर, इसमें स्टफिंग भरी है वो। तो यहाँ देखिए ये हमारे सिक चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ना ही इनमें ये रहता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल भरता है, अगर आप धीमी आंच पे करते हैं तो ऑयल भर जाता है, इसलिए गैस के फ्लेम को और अपने घी को तेज ही रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बन चुके हैं और मैंने और बनाए थे दो छोटे छोटे से, तो उनको भी मैं सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सिक चुके हैं हमारे, और अब हमने यहाँ पे लिया चाशनी। ये चाशनी मेरे पास पहले से रखी थी, आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिएगा। चाशनी तो बस ऐसे ही बनती है जैसे बिल्कुल हल्की गाढ़ी सी हो जाए, कोई तार वार की नहीं बनती। तो इसमें हम डाल देंगे अपने शाही टुकड़े को, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है देखिए। और उलट पलट के हमें जब तक रखना है कि इनमें थोड़ा सा रस ना भर जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आप ये चाशनी को बहुत गर्म भी ना रखें, हल्की गुनगुनी सी चाशनी रखें। तो मैंने यहाँ पे इनको उलट पलट के कर दिया है, तो इसमें रस भर गया है, ठीक है ना। तो अब हम इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको प्लेट पे निकाल दिया है। अभी आप सोच रहे होंगे रबड़ी का क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। और रबड़ी तो आप वैसे भी बना के खा सकते हो। तो एक और रह गया था, मैंने उसको भी निकाल के भर लिया है। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया है मैंने इनको, और अब हम इस पर डालेंगे जो हमने रबड़ी बना के रखी थी ना वो, क्योंकि शाही टुकड़े का मतलब ही यही है कि ऊपर से रबड़ी हो तभी इसका टेस्ट आता है। तो आप रबड़ी देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत ही टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी बनी है। और ऊपर से जो हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हमारे बच गए थे जो हमने स्टफिंग के लिए लिए थे, वही हम ऊपर से डाल देंगे इनको गार्निशिंग करने के लिए। तो है ना बहुत इजी और क्विक रेसिपी, फटाफट बन जाती है। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसको बनाइए और खाइए, मुझे बताइएगा कैसी बनी है। इस लॉकडाउन में तो भाई घर पर ही कुछ ना कुछ बनाते रहना है, अपने बच्चों को खिलाते रहना है। यहाँ पे देखिए कितनी देखने में लग रही है ना, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसमें कितनी अच्छी लग रही थी ये देखने से ही, तो खाने का मन तो कर ही जाएगा। यहाँ पे देखिए अंदर ये भर चुका है इसमें स्टफिंग, ऊपर से रबड़ी डाल के खाइए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, तो लीजिए भाई आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी मीठा कर लीजिए हमारे जीजाजी की प्रमोशन की खुशी में। और दीदी जीजाजी आप लोग भी खा लीजिएगा। यहाँ देखो राघव की चल रही है कार, ओए होए रिमोट कंट्रोल का, अरे रे सही हो गई है ना सेल डालने से। चलो तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना, पहले मैंने वही बनाए थे फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि आज फास्ट था तो पराठे बनाने थे मुझे, आज पराठे और सब्जी, भोग भी लगना है ठाकुर जी का, तो बस खाना बन रहा है इधर। तो मैंने यहाँ पे पराठे और आज आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, क्योंकि फास्ट में पराठे ही खाती हूँ मैं। और ये है रबड़ी जो हमने बनाई है वो, और आलू टमाटर की सब्जी और जो हमने वो बनाया है ना वो भी हम डाल लेते हैं भोग की थाली के लिए प्लेट में। तो यहाँ पे प्लेट हमारी लग के तैयार है भोग के लिए, आ जाइए भाई भोग के बाद आप लोग भी खा लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में भोग लगाने के बाद। चलिए अभी काम हो गया है और मैंने आज ओहो पिए क्या, बाप रे तो देखो अरे राम ये कौन बन गया है, हे भगवान क्या करता रहता है तू ये, आपको ना पहले ये बताओ देखो तो सही, तब सारी महाभारत करूंगा। महाभारत करेगा, बुखार उतर गया इसलिए है, बुखार उतर गया इसलिए ऐसे करता रहता है ड्रामा। देखो इसको कौन तू, तभी तो बीमार होता है हाँ कितने ड्रामे किया रहा है, देखो कैसी दाढ़ी मूछ बनाई है इसने और बीमार है, बुखार आया अभी, दवाई दिए कुछ देर पहले काजल से बनाया है इसने। और मेरी बिंदी ऐसी की ऐसी है देखो, बिल्कुल भी नहीं छुट्टी, शाम हो गई बिल्कुल, दिन छुप गया है, राज है, है? राज है, बता दिया मैंने, बता दिया मैंने लिपस्टिक नहीं तो ये बताया नहीं मैंने, सिंदूर से। तो चलिए अभी वीडियो को करती हूँ
काजल देखो इसने काला लगा दिया, बदतमा बदतमीज लड़के। चलिए तो अब इस वीडियो को एंड करूंगी और मिलूंगी आपसे कल नए से ब्लॉग के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और देखिए मैंने बाल काढ़े नहीं है, सिर्फ सिंदूर डाल दिया है, मतलब बाल काढ़ के मांग निकाल के सिंदूर डाल दिया, छोटी छोटी नहीं की है और मेरा हाथ दुख जाता है बहुत जल्दी। तो वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल नए से ब्लॉग नई सी वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, प्रिकॉशन के साथ रहिएगा। तो चलिए राधे राधे।